लब व लहजा, तकरीर के दौरान, बयान के दौरान, खिताब के दौरान लब व लहजे की कितनी अहमियत है बताइए? बहुत ज़्यादा, 80%। जी ये तो ग्रेडिंग में आ गई बात। जी ठीक है, ये भी ठीक है। शाबाश। और अच्छा, अब लबो लहजा कैसा होना चाहिए? वेरी गुड। ये कैंडी देखे आए, इन्हें भी ये कैंडी दे, यहाँ से भी बोले हैं। नहीं, लबो लहजा टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए। सामीन तो सादा से आए थे यहाँ पे, उन्हें उठाना है या बिठाना है या सुलाना है, ये आपके लहजे ने करना है। देखें भाई, अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए आप लोगों को। आपको पता है कि अल्लाह ताला को जहाद भी बहुत पसंद है, हमें इसमें हुक्म है। बल्कि कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि 484 आयात हैं जहाद के बारे में, पूरी पूरी सूरतें उतरी हैं इसके बारे में। सूरह तौबा पढ़ें, सूरह किताल पढ़ें, सूरह मोहम्मद पढ़ें, सूरह इराफ़ पढ़ें। तो जहाद जो है ये इंसान को मजबूत करता है, इंसान का दिल भी मजबूत करता है। ये मेरा मिजाज ये है और मैं बात ये वाली कर रहा हूँ, इस बात में असर होगा? ये कैसे होगी बात, कौन खड़ा होगा? अब पांच बंदों ने हाथ खड़ा किया है, आप पांचों में से अभी तक कौन पहले खड़ा नहीं हुआ? आप तो बहुत दफा, उसामा आप तो इतनी दफा खड़े हो गए यार। इन पांचों में से कौन अभी तक स्टेज पर नहीं आया? आप नहीं आए, आप दोनों में से कोई आ जाए, माइक दें जी। इसी बात को एक से डेढ़ मिनट में, दो मिनट में अपने लहजे के साथ जानदार बनाएंगे। ये माइक में बटन होगा सामने, चला है, चला है, कुछ चले इस पे आ जाए तो। जी अभी जो मैंने बातें की जिहाद के ऊपर, लेकिन मुख्तसर सा। जी जिहाद एक इस्लामी फरीजा है, जिहाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए मुसलमानों पर फर्ज किया है। जिहाद के जरिए से इंसानी हुकूक का तहफ्फुज हो सकता है। इस जिहाद के बारे में कुरान करीम में कई सौ आयात हैं। कुरान करीम में सूरह अनफाल को पढ़ लीजिए, सूरह तौबा को पढ़ लीजिए, आपको जिहाद का माना मफहूम वाज़ह होता हुआ नजर आ जाएगा। कोई ऐसी बात भी करें कि उतार चढ़ाव जो है ना वो भी आए उसमें, आवाज़ का धीमा होना और बुलंद होना भी आए, वो भी कोई ऐसा फिक्रा भी इस्तेमाल करें कि ये दोनों टोन इस्तेमाल कर सकें आप। जिहाद के लिए अगर हम नमूना देखना चाहें, हमारे लिए नमूना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सबसे बड़े मुजाहिद हैं, उन जैसा मुजाहिद कोई नहीं हो सकता। तशरीफ रखिए जी, थैंक यू वेरी मच, कैंडी भी दीजिए। अगर आप इसको इस टोन में नहीं कहेंगे या इससे बेहतर टोन में नहीं कहेंगे तो क्या लोगों के दिलों में आग लगेगी? अब इसी टोन में मैं कहता हूं, हमें मिलनसार होना चाहिए। क्या हो गया आप लोगों को? लोगों से घुल मिल के रहें, लोगों को अपना बनाएं। इस तरह से मुक्के बंद करके अपना बनाया जाता है या लड़ाई की जाती है? मेरा ख्याल आपको चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इसमें एक बात समझिएगा, आवाज़ की बुलंद टोन मोटिवेटर के लिए इंतहाई ज़रूरी है।